रोहनिया के आराजी लाइन के देउरा के युवा देश के प्रधानमंत्री मोदी को अपना आदर्श मानते हैं, जिससे प्रेरित होकर स्वच्छ भारत अभियान के तर्ज पर स्वच्छ गांव अभियान में जुट गए और गांव के युवाओं ने गांव को चमकाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने संवाददाता द्वारा सफाई कर्मी के मौजूदगी के प्रश्न पर व्यंग कसते हुए कहा कि यहाँ के सफाई कर्मी केवल कागजों पर चलते हैं, दिन में तो उन्हें किसी ने नहीं देखा, यदि रात में सफाई करते हो तो पता नहीं। उन्होंने बताया कि उनका गांव देउरा नई बस्ती में ना ही सवार है ना ही कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ादान, जिसके कारण वह लोग काफी परेशान रहते हैं। कई बार उन लोगों ने अपने प्रधान से इस समस्या को उनके सामने रखा, परंतु प्रधान से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसलिए उन लोगों ने स्वयं अपने गांव को साफ और स्वच्छ रखने का संकल्प लिया, ताकि गंदगी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। अच्छा, आज आप लोग ये एक मुहिम चला रहे हैं, क्या है ये? जी, हम लोग मोदी जी को गुरु मानते अपना मुहिम चला रहे हैं कि हम लोग स्वच्छ भारत का कुछ संग बने, मतलब उसको भी सफल बनाने। अच्छा अच्छा, मतलब स्वच्छ भारत अभियान के तहत मतलब आप लोग युवाओं लोगों ने आज एक बीड़ा उठाया है कि आप लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप लोगों को स्वच्छ भारत करना है और अपना गांव स्वच्छ करना है। अच्छा, तो आप लोगों के गांव में कोई सफाई कर्मी नहीं है क्या? सफाई कर्मी का पता नहीं, कई बार हम जो कि हम लोगों ने प्रधान जी के यहाँ भी गया कंप्लेन की, प्रधान जी बोले हमसे क्या मतलब है, जाकर उसको ढूंढिए आप। तो मतलब सफाई कर्मी आप लोगों के गांव में कभी नहीं आता है? अभी दिखाई नहीं देता है कि मतलब आता कब है कब जाता है, दिन में दिखाई नहीं देता है, रात को भले आता होगा। इसीलिए आप लोगों ने खुद ही ये बीड़ा उठाया स्वच्छ भारत अभियान का, और मोदी जी को आप लोग अपना गुरु मानते हैं।